जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। वैसे तो इस संसार में अनेकों स्तनधारी प्राणी हैं, लेकिन उनमें से एक प्राणी है बिच्छू, या इसे कबर बिच्छू कहते हैं। दोस्तों, इसे कबर बिच्छू इसलिए कहा जाता है कि यह इंसानों की कब्रों को खोदकर मुर्दों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें खाता है। इसे इंग्लिश में निवैजर भी कहा जाता है। यह एक मांसाहारी और शाकाहारी जीव है, यानी कि इसे सर्वभक्षी जीव भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसके नुकीले दांत और 5 मजबूत पंजे होते हैं, जो कि जमीन में इसके रहने के लिए सुरंग बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं। यह आगे के पंजों से जमीन को खोदता है और पीछे के पैरों से मिट्टी को बाहर फेंक देता है। यह नदियों और तालाबों के किनारे जमीन में 20 से 25 फीट लंबी सुरंग बनाकर रहता है। यह थोड़ा आलसी और गुस्सैल स्वभाव वाला जीव होता है। यह कोबरा सांप पर भी हमला कर उसको खा जाता है। यह पाइथन जैसे सांप की पकड़ से निकलकर उसी को अपना शिकार बना लेता है। इसका शरीर बाल युक्त और ऊपरी भाग भूरा, बगल और पेट की तरफ से काला और माथे पर सफेद रंग लिए होता है। भारत में अक्सर यह भूरे रंग और काले रंग का पाया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही चालाक प्राणी है। वह वस्तुओं का उपयोग करना जानता है। यदि इसे किसी दीवार वाले बाड़े में बंद कर दिया जाए तो यह उसमें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों, पेड़ की लकड़ी आदि का सहारा बनाकर दीवार पर चढ़ जाता है। यदि इसे पालतू बनाया जाए, कुत्ते की तरह इंसानों के साथ व्यवहार करता है। इसके गुस्सैल स्वभाव और मोटी चमड़ी होने के कारण खूंखार जीव भी इस पर हमला करने से बचते हैं। यह शेर से भी नहीं डरता, उससे भी भिड़ जाता है। स्तनधारी प्राणी होने के कारण मादा बिच्छू अपने बच्चों को दूध पिलाती है। यह इंसानों से डरता है। दोस्तों, बिच्छू भारत के अलावा दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। अगर आप भी कुछ इस बिच्छू के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।